अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। इब्तिशाम मैं अभी देख लेता हूँ। अच्छा, हमें फॉलो बैक लिंक्स और डू फॉलो बैक लिंक्स बाय करने चाहिए या नहीं। इब्तिशाम ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर SEO ठीक है, ऑन पेज SEO ठीक है और अभी भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर पा रही, देन हम लोग बैक लिंक्स की तरफ जाते हैं। जो चीज़ हमने देखनी होती है, मेक श्योर करनी होती है, वो रेलिवेंट बैक लिंक्स होते हैं, ठीक है। दूसरा, डू फॉलो नो फॉलो दोनों ही रिकमेंडेड होते हैं, ठीक है। दोनों मिक्स बैक लिंक्स लेने चाहिए ताकि गूगल को नेचुरल लगे। और दूसरा ये कि अब उसकी वेबसाइट देखने के बाद ही बता सकते हैं कि उसको बैक लिंक्स लेने चाहिए नहीं। उसकी अगर ऑन पेज SEO हुई नहीं हुई पहले, तो फिर वो बैक लिंक्स बिल्कुल ना लगाए, उसको फायदा नहीं होगा। यार, ये ऑडिट टूल्स होते हैं डिफरेंट, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग SEO कंप्लीट करेंगे ना। ऑडिट करके रिपोर्टिंग जनरेट करनी भी दिखाऊंगा, तब मैं बताऊंगा। वैसे आप क्लाइंट से पूछ लें कि अगर उसके पास कोई है टूल तो। बाकी आप मुझे वेबसाइट की क्लाइंट की URL सेंड करना, मैं तो आपको बताऊँगा कैसे करना है सारा कुछ। बाद में मुझे मैसेज करना। ऑल राइट, ठीक है। नहीं यार, अभी नहीं देखा जाहिद, मैं देख लूंगा इंशाल्लाह। बाकी मैंने प्रोफाइल चेक किए थे आप लोगों के, अच्छे बने हुए हैं अपवर्क के।
मरियम मुझे ना अगर ईमेल सेंड करो ना तो मुझे रिमाइंडर प्लीज मैसेंजर पे एक दफ़ा कर दिया करें, ताकि मैं ना उसको देख लूँ। मैं देख नहीं पाया, लेकिन आज क्लास के बाद देख दूंगा आपको। चलें अली ना, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको पहले दिन बताया था कि लैपटॉप के बगैर नहीं होना कुछ भी, तो इसको प्लीज़ मैनेज करें किसी तरह। बहुत अच्छा भी ना लें तो कोई बजट लैपटॉप ले लें, जिस बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, ताकि प्रैक्टिस वगैरह आप लोग कर लें। चलें, गुड है। अच्छा, कल मैंने कुछ काम करवाया था तो किया किसी ने प्रैक्टिस? मुझे एक दो लोगों ने सेंड किए हैं असाइनमेंट्स। जाहिद ने किया, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो बाकी किसी ने अगर किया हो तो। डेस्कटॉप इज बेटर देन पीसी। डेस्कटॉप और पीसी एक ही होता है। पीसी कंप्यूटर को कहते हैं और डेस्कटॉप भी उसी को कहते हैं। लैपटॉप और पीसी डिफरेंट हो सकता है। लैपटॉप मैं ज़्यादा रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि वो ज़रा पोर्टेबल होता है, आप जहाँ मर्जी ले जाओ, और लाइट का भी कह लें कि आपको इशू नहीं होता। पीसी की परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू लैपटॉप ज़्यादा होती है, लेकिन उसको मूव करना ज़रा मुश्किल होता है, और लाइट में फिर आप बाउंड हो जाते हो। नहीं मरियम, आपको मुझे मैसेंजर पे तो मैसेज नहीं आया कोई। चलें, बहरहाल नहीं, मैसेंजर पे मैसेज नहीं आया। शायद आपने मैसेज रिक्वेस्ट नहीं, मैसेंजर पे मुझे आपका मैसेज नहीं मिला। जाहिद की अच्छी थी यार, मुझे अभी सिर्फ जाहिद की मिली जो कल मैंने काम करवाया है। मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी तक जो मुझे काम मिला है ना, वो बहुत ज्यादा लोगों ने सेंड नहीं किया, क्योंकि अभी आप लोग काफी लोग पीछे हो, इसलिए मैं जरा स्पीड स्लो कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जाहिद की प्रोफाइल है। इसके अलावा आमना ने भी अच्छा काम किया हुआ है, उनकी गिग भी अच्छी बनी हुई थी। तो ये देखें, ये रोबोट्स। जाहिद, आप मेरे साथ ये यूआरएल शेयर कर देते रोबोट्स का, तो ज़्यादा बेटर था। बाकी जी, वेरी गुड है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन की लेंथ कम है जाहिद, मैंने बताया था 150 to 160 करेक्टर, ये थोड़ी सी कम है। ओवरऑल ठीक है। और ये देखो, यूआरएल आपका बहुत बड़ा जा रहा है, आपने यूआरएल ठीक नहीं किया। ये देखें, परमालिंक सही नहीं किया आपने, यूआरएल को शॉर्ट नहीं किया। तो ये देखें, यूआरएल कितना लंबा जा रहा है। तो ये कर लें, बाकी आपने एटलीस्ट ट्राई किया तो वो बहुत अच्छी बात है। फोन नंबर इरफा क्लास में है, आप फोन नंबर वेरीफाई होना चाहिए। कोशिश किया करें कोई और फोन यूज कर लिया करें, अगर वो नहीं हो रहा तो।
आमिर आपने किया था सेंडलिंग। चलो यार इसको हम लोग ना एट द एंड देखते हैं, 30 मिनट्स रखेंगे इसलिए उसके लिए, तो इंशाल्लाह इसको देख लेते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। शाने बदूल इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, फ्रेश हैं, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, मैं चीज़ों को बड़ा सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। खैर कोई इशू आता है तो आप लोग ज़रूर पूछा करें। बाकी ये कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको आएंगी, कोई भी काम है ना अगर आपने करना है तो उसमें आपका, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग कभी ये ना देखा करें कि फलां बंदा फलां काम कर रहा है और वो इतने पैसे कमा रहा है। अगर वो इतने पैसे कमा रहा है ना तो उसने अपनी लाइफ के को 2-3 साल उस फील्ड में ज़रूर स्पेंड किए होंगे। बहुत बहुत रेयर होता है कि आप भी स्टार्ट करो और आपको आपका आपको पैसे आने शुरू हो जाए या आपका काम चलना शुरू हो जाए। ठीक है, हर चीज़ का एक डेवलपमेंट फेज़ होता है, वो डेवलपमेंट फेज़ हर किसी को गुजारना होता है। चीज़ें इसी तरह से आप सीखोगे, एक चीज़ करोगे गलत होगी, दोबारा करोगे पता चल जाएगा जी कि ये करेंगे तो ये गलत होगी। ठीक है, फिर आपको सही का पता चल जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे चीज़ों का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना, स्किल आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते जाएंगे। फिर जब इंशाल्लाह आपके पास ऑर्डर्स आएंगे तो कोई क्लाइंट आएगा कहेगा जी ये काम कर दें, आप रिसर्च करेंगे देखेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा जी ये काम ऐसे होता है। फिर अगर कभी साइट डाउन होती है उसको रिकवर करेंगे तो ये पता चल जाएगा जी इसको कैसे करते हैं। तो वो जो डेवलपमेंट का फेज़ है ना उसको स्किप नहीं कर सकते। आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर चीज़ का शॉर्टकट होता है इस दुनिया में, एक्सपीरियंस का शॉर्टकट नहीं होता। सिर्फ पेशेंस रखना है आपने और कंसिस्टेंट रहना है, और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। मेरी याद रखिएगा, सक्सेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है सिर्फ एक वर्ड में, वो है आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने तसलसल के साथ आप काम करते हैं। यूजली होता क्या है कि स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेकिन एक काम पकड़ते हैं, दूसरा एक काम छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते हैं, तीसरा पकड़ लेते हैं, किसी भी काम में कंसिस्टेंट नहीं रहते। और दूसरा ये कि गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं। ठीक है, तो गिव अप नहीं करना, लगे रहना लगे रहना लगे रहना, एक ना एक दिन आपका टाइम आ जाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके जैक लगने हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये जो आपकी स्ट्रगल है ना ये जरूर पे ऑफ करेगी आपको, और फिर आपको इंशाल्लाह इतने आप पैसे कमाओगे कि आप होगे वो जो टाइम मैंने स्पेंड किया ना वो टाइम अब मुझे रिटर्न कर रहा है। तो वैसे भी हमारा एज ए मुस्लिम भी हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, तो कभी ना कभी आपकी वो मेहनत ज़रूर आपके काम आएगी। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि आपने अपनी नीयत साफ करके, दिल को साफ करके ना इस काम को करना है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इसमें एक अच्छे फ्रीलांसर बनोगे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है, सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, और वो अच्छी खासी अमाउंट कमा लेते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या है उनके पास डेडिकेशन है, काम करने की विल है, विल पावर होनी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी काम को करने की अगर वो है तो आप लोग ज़रूर कर लोगे। ठीक है, तो अगर कोई आप तो फिर भी माशाल्लाह सब लोग ग्रेजुएट्स हो, ठीक है, आप सब लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उसको समझाता हूँ तो उसको नहीं समझ आएंगी, एक मैट्रिक पास को, एक इंटर पास को वो चीज़ें समझ नहीं आती जो आप लोगों को आ सकती हैं, आप लोगों ने अपनी 16 साल की तालीम पढ़ी हुई है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह आप सबकी अर्निंग स्टार्ट होगी। लेकिन ये है कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, एक होते हैं जी के वो बबलर्स होते हैं। बबलर्स क्या, वो आते हैं शुरू शुरू में बड़े एनर्जेटिक होते हैं। आपको याद होगा जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी 45+ लोग थे। ठीक है, वो आते हैं देखते हैं, एक दिन समझ आई, 2 दिन नहीं आई, कुछ थोड़ा बहुत लेक्चर की इंटरप्शन हुई या कुछ भी हुआ, लेक्चर मिस हुआ, लो जी छोड़ दिया। ठीक है, वापस नहीं आते वो, फिर कभी कभी आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे, हर कोर्स में मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले दिन से मेरे साथ एक्टिव रहते हैं, और एट द एंड जब 3 माह का कोर्स खत्म होता है ना तो एट द एंड भी वो मेरे साथ होते हैं, डेली वो क्लास में आते हैं, डेली वो कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं। अगर आपका 1-2 1.5 घंटा अगर यहाँ पे स्पेंड हो रहा है ना तो डेफिनेटली आपका वो घंटा वो आपके आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, तो वो कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं। तो एट द एंड जब 1 घंटा आप निकालते हो डेली का, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं, कहीं आपको जाना नहीं पड़ रहा, देखिए कितना सिंपल है चीज़ें, कितनी सिंपल है ना, आपको कहीं जाना पड़ रहा है ना, आपका टाइम कहीं वेस्ट हो रहा है, सिर्फ 1 आधा घंटा आपने लगाना है और 1 आधा घंटा आपने प्रैक्टिस पे लगाना है, इनफ है।
तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन लोगों ने अपनी मतलब अर्निंग स्टार्ट कर दी थी और बहुत अच्छी, आज मुझे अभी भी उन स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अभी आप कहते हो तो मैं उनको, आप मैसेंजर खोल के अभी आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ठीक है जिनकी मतलब आ रही होती है। अभी मेरे कल परसों एक मैसेज आया, मेरी एक स्टूडेंट थी पुरानी, मैं आपको दिखाता हूँ अगर वो हुआ तो। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये मेरी स्टूडेंट है एक, और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वन मोर टिप। अभी ये कल परसों उसने फिर दोबारा टिप ली है, कंटेंट राइटिंग पे काम करती है, इससे पहले भी उसको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ गया, मतलब इसका माशाल्लाह से प्रोफाइल चलना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे और स्टूडेंट हैं मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, और ये देखें ठीक है, इतना अच्छा काम कर रही है, हर दफ़ा उसको टिप मिल रही है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं $30-$30 के ऑर्डर्स ले रहे हैं, $50-$50 के ऑर्डर ले रहे हैं ठीक है। तो माशाल्लाह सबका सिस्टम चलना शुरू हो गया है। तो बस यही है कि अब बहुत खुशी होती है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बस मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि आप बस लोग डटे रहें, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते करते रहें। मैंने आपको इवन ये भी ऑफर किया है कि अगर आपको किसी को इश्यू आता है तो मैं आपको जूम पे सोल्व करवाऊंगा, और मैंने आपके में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को करवाया है। आज वो मिशाल थी शायद, उनको मैंने मतलब टाइम दिया, उनको मैंने करवाया है। उसके बाद एक दो स्टूडेंट और थे उनको मैंने करवाया है। तो मैं पर्सनली भी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको क्लास में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, कुछ होता है, तो मैं आपको पर्सनली मतलब जूम के ऊपर वो करवा दूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग जल्दी से स्टार्ट करें, स्टार्ट लें। बाकी ये है कि अपनी बंदे की अपनी जो है ना वो डेडिकेशन होती है, अपना हार्डवर्क होता है, जो ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। बाकी कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे अर्निंग। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग उनसे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बाकियों से भी करें। और बस मैं तो यही कहूँगा। अच्छा दूसरा ये कि मैं काम जो आपको करवा रहा हूँ, अब हम लोग SEO स्टार्ट कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग हमने कर ली है, अभी हमारे कोर्स में काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। और मैं आपसे को मैंने ये भी कहा है कि छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको ऐसे करवाऊंगा कि आप उसको सेल कर पाओगे। SEO क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, और मैं आपको बता रहा हूँ इसकी, जब मैं SEO कंप्लीट कराऊंगा ना तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, आप कहोगे कि जी इस छोटे से स्किल में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, आप हैरान हो जाओगे ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से इसको वाइंड अप करूँ, फिर हम लोग ऑफ पेज SEO की तरफ आए, देन सोशल मीडिया की तरफ। बस कनेक्टेड रहना है आपने, इंशाल्लाह काम करते रहना, ज़रूर इंशाल्लाह आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी ठीक है। और अल्लाह पे यकीन रखना है, खुद पे यकीन रखना है। अच्छा जी, अब SEO की मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, चीज़ें मैं काफ़ी हैं, चाहूँ तो मैं एक दिन में भी इसको कवर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल हैं, जिन लोगों ने शायद आज से पहले लैपटॉप भी नहीं चलाया, बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे मसली मैसेज आ रहे हैं उनके, तो मेरी कोशिश है कि मैं उनको भी साथ लेके चलूँ ठीक है। आप में से माशाल्लाह सब, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग स्मार्ट हैं, वो पहले करते रह रहे हैं, करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता चीज़ों का, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जिनको बिल्कुल नहीं पता उनको भी हम लोग साथ लेके जाएं, और ऐसे लेके जाएं कि सबका ही कवर हो जाए ठीक है। अच्छा जी, ये वाले सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिए थे। कल हम लोगों ने साइट मैप क्या होता है ये देखा था, बनाते कैसे हैं, जनरेट कैसे करते हैं ये देखा था, सबमिशन अभी तक हमने नहीं की ठीक है, साइट मैप की सबमिशन अभी तक हमने नहीं की, करनी कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगा। रोबोट्स की फाइल बनाई थी, मल्टीपल वेज बताए थे रोबोट्स की फाइल बनाने के, और साइड मैप का भी इस तरह मल्टीपल तरीके हैं, मतलब वर्डप्रेस काफ़ी फ्लेक्सिबल है तो बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर। अच्छा अब आज हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और बिंग सर्च कंसोल का सेटअप करना है। गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे शायद मैंने लिखा नहीं है, चलो जी ऐड कर लेते हैं, गूगल एनालिटिक्स सेटअप ठीक है, तो इसको एक दफ़ा तो हम लोग वाइट ही कर देते हैं। चलें जी, गूगल एनालिटिक्स का सेटअप हमने करना है जी आज। GSC जो आपको नीचे नज़र आ रहा है उसका मतलब है गूगल सर्च कंसोल, GSC, बिंग वेब मास्टर टूल BWT ठीक है।
अब ये चीजें क्या होती हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स से स्टार्ट करते हैं जी हम लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ वर्डप्रेस में उसको कैसे सॉल्व करें। सर मेरा एरर, हिबा क्या एरर आ रहा है आपका? एरर भी तो बताएं, आ रहा होगा एरर, मुझे पता है यार ये फ्री होस्टिंग है, आपको लिमिटेशंस जो है ना वो बेयर करनी पड़ेंगी, काफी चीजें होंगी काफी नहीं होंगी। अब मैंने भी तो आपके सामने वही फ्री वेबसाइट बनाई है और मेरे पास सारे काम हो रहे हैं, समटाइम नहीं होते। कल जैसे 500 इंटरनल एरर आ रहा था तो मैं आपको रिफ्रेश कर रहा था, या मेरे पास एक दो साइटें मैंने बनाई हुई हैं, एक नहीं चलती तो चलो मैं दूसरी चला लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास तो वैसे क्लाइंट्स की साइट्स भी हैं, उनकी बड़ी अच्छी होस्टिंग है, सारा काम मैं उसके ऊपर भी आपको करके दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं भी फ्री होस्टिंग इसलिए यूज़ करता हूँ कि आप ये ना कहो कि सर हमारे पास इशू आते हैं, आप तो पेड होस्टिंग यूज़ करते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं करवाता हूँ। ठीक है, अरसलान ऐसा है कि फर्स्ट मंथ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आप यूं समझो कि जो आपका 1 घंटे का शुरू में लेक्चर हो रहा था ना, जो विंटर वेकेशंस में हो रहा था, वो ई रोजगार मेरे ख्याल में उसको कंसीडर नहीं कर रहा। मतलब ये कि आप यूं समझो कि आपके अभी कुछ 7, 8 या 10 लेक्चर हुए हैं, जो पीछे वाले लेक्चर थे वो आप कंसीडर ना करो। मतलब यूजली 50 लेक्चर्स होते हैं हमारे, तो इस दफा 60 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये कि मैं प्रोमिस करता हूँ कि कोर्स आपसे कवर करवाऊंगा, कोर्स हम लोग लाजमी इंशाल्लाह कवर करेंगे, कुछ 2, 4, 5, 10 लेक्चर एक्स्ट्रा भी लेने पड़े तो लाजमी लेंगे, कोई मसला नहीं है, तो हम लोग इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, हाँ मैंने बताया है, जो एक्स्ट्रा प्लगइन है उनको डिलीट कर दें, काफी हद तक आपका स्पेस फ्री हो जाएगी, उसको यूज करें। बाकी बा सर वेबसाइट चल ही नहीं रही। चलो माशाल्लाह, दोबारा मुझे स्क्रीनशॉट दिखाना, मैं आपको बताऊंगा क्या सोल्यूशन है उसका। ठीक है, तो यार ये चीजें आएंगी, मैंने फिर कहा ये हर्डल्स आएंगी, कभी वेबसाइट नहीं चलेगी, कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप यहाँ पे गिव अप करते हो, या मतलब खुद से ये वादा करते हो, या खुद को ये कहते हो नहीं इसको तो मैंने करके रहना है, अब जो मर्जी हो जाए इसको मैंने चला के रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अपना है सीन। अगर तो आप यहाँ पे गिव अप कर दे, चल नहीं रही मैं छोड़ देती हूँ इसको, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। अगर आपने कर लिया ना, क्योंकि मैंने आपके सामने कर लिया है, तो मैंने आपको बताया कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इट हैज टू बी अ सोल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन उससे पहले है, तो वो अपने आप ढूंढना है खुद से। ठीक है, हाँ यार ये सबको इश्यू आ रहा है। चलें, मैंने इसीलिए बारहा कहा था कि 3 वेबसाइट बनाएं, तीनों पे प्रैक्टिस करें, एक नहीं चलती दूसरी चलाएं, लेकिन आप में से किसी एक ने भी मुझे तीनों वेबसाइट बना के नहीं दिखाई, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। बहरहाल कोई बात नहीं, इसको ट्राई करें दोबारा, कोई इशू आता है कोई इशू का मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया करें, ये ना कहा करें कि सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मुझे उसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो मैं आपको उसके बारे में गाइड करूंगा ना। चलें बहरहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल एनालिटिक्स से। अच्छा मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ जी, जो हम लोग यूज कर रहे थे, और हम लोग ओपन कर लेते हैं जी अपनी वेबसाइट .com के बाद wp-admin मैंने लगाया है, और हमारा लॉगिन पैनल ओपन हो गया जी। यहाँ पे हमारा पासवर्ड था एडमिन और यूजर नेम था admin123 sin of exclamation। लो जी देख लो पासवर्ड, अभी रिमेंबर वी मी करके मैं इसको लॉगिन करता हूँ। चलें जी, मैं डैशबोर्ड में हो गया हूँ लॉगिन। अच्छा कल हम लोगों ने किया था रोबोट्स कैसे जनरेट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपका मैक्सिमम काम एसईओ के अंदर ये कर रहा होगा प्लगइन यूज्ड। ठीक है, या इवन आप कोई और प्लगइन मैथरैंक यूज करते हैं, ऑल इन वन यूज करते हैं, तो वो भी कर रहा होगा, लेकिन यूज मैंने इसलिए यूज करवाया कि एज पर माई एक्सपीरियंस ये अच्छा प्लगइन है और मैक्सिमम काम ये करेगा आपके। जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे ऑल इन वन इंस्टॉल करते हैं ना आप, तो वो रोबोट्स की फाइल जनरेट नहीं करता, लेकिन ये करता है, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा है, हम लोग इसको यूज करेंगे। और मैंने ये भी बताया कि अगर आप जितने ज्यादा एक्सटर्नल प्लगइन यूज करेंगे, डेफिनेटली वो आपकी होस्टिंग की स्पेस लेंगे और वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को इशू करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम प्लगइन यूज करते हैं, मैक्सिमम हम लोग काम करते हैं एक ही प्लगइन से अगर होता है तो। ठीक है, तो साइट मैप देख लिया, रोबोट्स देख लिया, अब हम लोग जाते हैं जी गूगल एनालिटिक्स की तरफ। अच्छा अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है जी, मेरी वॉइस वगैरह तो आपको क्लियर आ रही है ना, मैं क्या करता हूँ ना, मैं फोन ऑन कर रहा हूँ,
ताकि जो है ना वो बाद में इंटरप्शन ना आए। एक सेकंड बस मुझे दे दें, मैं बताता हूँ हिबा, आपको बताता हूँ। चलें जाहिद गुड है। ये देखिए आमना कह रही है जिस होस्टिंग पे मैंने बनाई है वहां पे इशू नहीं आता। आमना आपने कौन सी होस्टिंग पे बनाई है? चलें ये एक्सपीरियंस शेयर करें अपना, अच्छी बात है। तो मैंने वही तो कहा था दो तीन पे बना लो। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने भी होस्टिंग 000 पे बनाई है तो सबने उस पर बना दी। सी पैनल मैंने कल दो तीन दफा लॉगिन करके दिखाया है। ये किसी किसी के पास जाहिद आ जाता है यार, किसी के पास नहीं आता। ठीक है, क्योंकि फ्री होस्टिंग है तो ये लिमिटेशन तो रहती है। ठीक है चलें जी, बहरहाल स्टार्ट करें। चलिए हम ना अपना बताइएगा आपने कौन सी होस्टिंग पे बनाया है। अच्छा जी गूगल एनालिटिक्स, तो गूगल एनालिटिक्स आपको बता देता हूँ जी। आज हमने सेटअप करना है गूगल एनालिटिक्स का, तो सबसे पहले देख लेते हैं जी गूगल एनालिटिक्स होता क्या है। अच्छा ये इसके बारे में लिखा हुआ है जी, गूगल एनालिटिक्स बेसिकली है गूगल की अपनी एक सर्विस। एनालिटिक्स का वर्ड आपको बता रहा है कि गूगल एनालिटिक्स क्या है। ये बेसिकली आपके आपकी वेबसाइट के एनालिटिक्स बताता है, आपकी वेबसाइट के स्टैट्स बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस ब्राउजर से आ रही है, किस कंट्री से आ रही है, किस उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, कितने यूजर एक्टिव हैं अभी तक। मतलब ये सारे स्टैट्स आपको गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, जिसकी बेस पे आप लोग एक्शन लेते हैं। ठीक है, एक्शन से मेरी मुराद ये है कि अगर हमने कोई कंटेंट अपलोड किया है उसके बाद हमने कुछ स्ट्रेटजीज एसईओ की बनाई है। ठीक है, अब एसईओ एक ऐसी चीज है, मैं आपको बता दूं कि इस ये बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है कुछ भी। इसमें इसमें हमेशा हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस से चीजों को सीखते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस की है। ठीक है, गूगल की नई अपडेट आएगी शायद वो इन सारी चीजों को बंद कर दे। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों को तो नहीं, खैर ऐसा हो सकता है कि नई अपडेट आए तो वो कहे जी कि पहले ऐसे था अब ऐसे करो। ठीक है, तो ये अपडेट्स होती रहती हैं, साइट रैंक होती रहती है, डी रैंक होती रहती है, तो फिर एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग थर्ड पार्टी गूगल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, रैंकिंग के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं है, रैंक हो जाती है साइट्स विद एक्सपीरियंस, आप सब सीख जाते हो। लेकिन जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ कि आपको छोटा सा स्किल आ गया ना, उसको आप इजीली सेल करोगे। रैंकिंग वाला फैक्टर ही नहीं है, आप सिर्फ फोन पे जैसे हो सेल कर दो, आपको जी मैं वेबसाइट के ये वाले इश्यूज हैं इनको फिक्स करूंगा, डेट्स इट। रैंकिंग की कोई गारंटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ, हम लोग तो वो बात ही नहीं कर रहे। अगर कोई बंदा रैंकिंग की गारंटी देता है तो डेफिनेटली वो अच्छा पे करता है। ठीक है, वो अच्छा क्लाइंट से पैसे लेता है, लाइक $500, $400, $600 पर मंथ। ठीक है, तो ये 6 माह का प्रोसेस होता है, उसके अंदर फिर बड़ा कुछ होता है। लेकिन आप लोग $30, $40, $50 में ऑन पे जैसे करके दे रहे हो तो डेफिनेटली किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं होती, और ना ही इसमें विद इन अ फ्यू डेज रैंकिंग आती है। लेकिन ये है कि आप उसके एरर वगैरह फिक्स करके वेबसाइट को ऐसे फ्रेंडली बना देते हो जो कि मैंने आपको बताया, लाइक कीवर्ड सर्च करते हो तो आपने कीवर्ड लिए, सर्च की, डेट सीट, पैसे ले लिए, तो सिंपल है। छोटे छोटे स्किल से हम लोग अर्निंग करना सीखेंगे, और इंशाल्लाह जब आपको एज ए होल एसईओ आ जाएगी तो आप ये कंप्लीट सर्विस भी सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स से मैं बता रहा था वो क्या करता है कि आपके सारे स्टैट्स आपको प्रोवाइड करता है कि जी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से कितनी आ रही है और कहाँ से नहीं आ रही, कितनी सोशल मीडिया से आ रही है, कितनी गूगल से ऑर्गेनिकली आ रही है, कितनी ट्विटर से आ रही है, कितनी फेसबुक से आ रही है, ये सारे स्टैट्स आपको बताता है। अब गूगल एनालिटिक्स ज़रूरी क्यों है जी, कि जैसे हम लोगों ने कोई पोस्ट की, कोई एक्सपीरियंस किया किसी चीज़ को, तो डेफिनेटली हमने उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर तो करना है, मॉनिटर करेंगे, देन उसकी बेस पे हम लोग एक्शन लेंगे। हमें स्टैट्स तो देखने हैं, हमें स्टैटिस्टिक्स देखने हैं, उस स्टैटिस्टिक्स की बेस पे हम लोग आगे एक्शन लेंगे कि अगर हमने पोस्ट की है, हम लोगों ने बैक लिंक्स लगाए हैं, हमारे पास कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, तो डेफिनेटली हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे।
अगर आ रही है तो यूएसए से आ रही है, हमारी टारगेट और जो है ना वो मार्केट यूके है, तो फिर हम लोग डेफिनेटली कुछ चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी हैं। इन द सेम वे हम लोग क्या करते हैं, यूजली क्लाइंट के लिए ये सेटअप करके देते हैं गूगल एनालिटिक्स का, और गूगल एनालिटिक्स का सेटअप करके क्लाइंट को दे देते हैं और कहते हैं जी कि आप अपनी वेबसाइट के स्टैट्स आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है। गूगल एनालिटिक्स में आपकी ट्रैफिक मैक्सिमम फेसबुक से आ रही है, गूगल से नहीं आ रही, यूट्यूब से नहीं आ रही, और बाकी प्लेटफॉर्म से नहीं आ रही। आपको पता है चल रहा है जी कि आपकी ट्रैफिक मैक्सिमम जो आ रही है ना फेसबुक से आ रही है, तो अपनी फेसबुक तो आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो आप बाकी एरियाज को गूगल ऑर्गेनिकली ट्विटर को स्ट्रांग करने की कोशिश करोगे क्योंकि फेसबुक पे आपकी ऑलरेडी आ रही है। तो इनकी बेसिस पे हम लोग एक्शन लेते हैं और फिर हम लोग फर्दर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ में क्लाइंट को करके देना होता है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गूगल एनालिटिक्स का सेटअप करके दे देना होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करके दे देनी होती है कि लो जी आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है, अब आप अपने स्टैट्स को देखो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको उसका सेटअप करना दिखाऊंगा। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, आपका अपना ब्लॉग है, तो डेफिनेटली आप उसको सेटअप करके अपनी ईमेल के ऊपर उसको देखोगे, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स क्योंकि गूगल की सर्विस है, इसलिए ये जीमेल के ऊपर ही होगी। गूगल सर्च कंसोल है, तो वो भी जीमेल उसके लिए आपको चाहिए होगा, ठीक है, जीमेल की एक आईडी चाहिए होगी। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, गूगल एनालिटिक्स लिखता हूँ और पहले ही लिंक पे चला जाता हूँ जी, गूगल एनालिटिक्स डॉट कॉम, एनालिटिक्स डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। अब स्टार्ट माइनिंग ये देखिए मेरे पास आ रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, गेट इनसाइट्स फ्रॉम गूगल, गूगल ओनली गूगल कैन गिव, कनेक्ट योर इनसाइट्स टू रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ डेमो दिखाऊं आपको। तो मैं जो मेरे क्लाइंट क्या है एनालिटिक्स, चलो मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जीमेल के ऊपर, एक जीमेल के अकाउंट के ऊपर 100 गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट सेट किए जा सकते हैं, मतलब एक जीमेल हो आप 100 वेबसाइट के गूगल एनालिटिक्स चेक करके स्टैट्स को बता सकते हो, ठीक है, मतलब उनको सेटअप कर सकते हो एक जीमेल के ऊपर। अगर 100+ हैं देन आपको फर्दर जो है ना वो करना पड़ेगा, नया जीमेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अप टू 100 गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट सेटअप किए जा सकते हैं एक जीमेल के साथ। अच्छा जी, वैसे है कि मेरे पास ये सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट हैं, ठीक है, तो इनमें से मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये एक, चलो ओपन करता हूँ, ओपन होगी ये देखें जी, ये यूज़र बता रहे हैं। अब एक्टिव यूज़र कितने हैं राइट नाउ, जीरो। वेबसाइट का यूआरएल है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, चले छोड़ें यूआरएल छोड़ें, आप स्टैटिस्टिक्स देखें, ठीक है, ये देखें जी यूज़र कितने आ रहे हैं, सेशंस, बाउंस रेट देखें कितना है, ये बाउंस रेट है, ठीक है, नीचे जा रहा है, अब ये नीचे कम से कम होना चाहिए, ये बाउंस रेट वही है कि यूज़र आता है तो कितनी देर रुकता है, ये सेशन की ड्यूरेशन है कि एक एवरेज यूज़र कितनी देर आपकी वेबसाइट को देखता है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ है कि कितने यूज़र आ जाए, अगले दिन अगर कम आएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा आएंगे तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये ट्रैफिक चैनल देख लें जी, यहाँ पे सोशल आ रहा है आपके पास, ऑडियंस, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास ट्रैफिक के सारे स्टैट्स बता दे। खैर इसको आपने खुद से एक्सप्लोर करना है। ये देखें डायरेक्ट यूज़र कितने आए हैं, उसके बाद ये अदर कितने आए हैं, सोशल से कितने आए हैं, और ये ऑर्गेनिक कितने आए हैं, ठीक है, ये देखें ये सारा बता रहा है। अगर मैं जाता हूँ होम में, तो ये गूगल एनालिटिक्स है बेसिकली, ये आपको अपने सारे स्टैट्स बता रहा है, ठीक है। ये देखें किस कंट्री से आए हैं जी, यूनाइटेड स्टेट से 48, यूनाइटेड स्टेट से बाकी दुनिया में से बहुत कम आ रहे हैं, तो डेडिकेटिवली यूनाइटेड स्टेट की साइट है तो वहाँ से आ रहे हैं, तो ये सारे स्टैट्स हैं जी, ठीक है, इनको आप, इनकी बेसिस पे हम लोग एक्शन लेते होते हैं, ठीक है। तो इसको खैर आप लोगों ने खुद से एक्सप्लोर कर लेना, मैंने तो आपको इसका सिंपली सेटअप करना दिखाना है कि हम लोग इसको सेटअप कैसे करेंगे। अच्छा, अब जब हम लोग सेटअप कर लेंगे ना, तो ये इमीडिएट डाटा फेच नहीं करेगा, डेफिनेटली गूगल लेगा कुछ 2-3 दिन पीछे वाला डाटा फेच करने करते हुए, फिर वो दिखाएगा आपको स्टैट्स, तो इमीडिएट ये सारे स्टैट्स नहीं वो दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने ब्राउजर में,
अब यहाँ पे वो मुझे कह रहा है स्टार्ट माइनिंग, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। ये देखें, नया अकाउंट होगा ना जब आपके पास, जिसके ऊपर एक भी गूगल एनालिटिक्स सेटअप नहीं होगा, तो सिंपली आपके पास यही स्टेप्स आएंगे जो मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके सामने नई जीमेल बनाई है। अगर आपने एक सेटअप कर लिया, दूसरा करना है, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा चेंज है, वो आपको नीचे जाके नया अकाउंट ऐड करना पड़ता है, मैं वो भी दिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपने सिंपली स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करना है, और मेरे पास कह रहा है जी अकाउंट नेम बताएं जी, मैं कहता हूँ जी ई रोज, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैंने ई रोजगार पंजाब ऐड कर दिया है। प्रोडक्ट एंड सर्विस को आपने करना है चेक कि क्या क्या डाटा आपने मैयर करना है, उसके बाद आपने कर देना, ये ऑलरेडी बाकी नीचे वाले तीन ऑलरेडी होंगे चेक, पहला आपने चेक करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। अच्छा जी, प्रॉपर्टी नेम क्या है जी, वेबसाइट का नाम दोबारा लिखूंगा, लोकेशन क्या है जी, अब मेरा क्लाइंट यूके का है, यूएसए का है, कनाडा का है, जर्मनी का है, जहां जिस कंट्री का भी है मैं उसका यहाँ पे कंट्री ऐड करूंगा जी, ठीक है। उसके बाद करेंसी यूएस डॉलर है, यूएसडी, ठीक है, तो यूएस डॉलर है। उसके बाद अच्छा सेकंड स्टेप है जी ये प्रॉपर्टी सेटअप, ठीक है। पहले सेटअप में मैंने क्या किया है कि नाम लिखा है, और ये तीन चेक पहले थे, एक चेक मैंने और किया है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, और मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्रिएट गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी टू मैयर योर वेब ऐप, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, क्लाइंट कहाँ का है, उसका लोकेशन, करेंसी, और नीचे मेरे पास आ रहा है, नेक्स्ट भी कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास आ रहा है शो एडवांस ऑप्शन, आपने जाना है नेक्स्ट में शो एडवांस ऑप्शन, क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, हमने ये वाली प्रॉपर्टी बनाई है यूनिवर्सल। अब गूगल एनालिटिक्स की कुछ अपडेट हुई है, उसके मुताबिक वो कुछ एक और आईडी बनाता है, लेकिन अक्सर प्लगइन उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम लोग क्या करेंगे यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बनाएंगे, और मैं यहाँ पे इसको जो एडवांस सेटिंग है इसको पहले ऑन करूंगा। अब यहाँ पे वो मेरे पास पूछ रहा है जी वेबसाइट का यूआरएल, तो वेबसाइट का यूआरएल क्या है जी, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कह रहा है जी कि HTTP ऑलरेडी है, तो आपको सिर्फ HTTP के बाद वाला हिस्सा डालना है, HTTP:// और डबल स्लैश, ये देखें ये तो ऑलरेडी है, देखें ऑलरेडी ऐड हुआ है, तो उससे आगे वाला जो हिस्सा है ना वो मैंने ऐड कर दिया, HTTP मैंने रिमूव कर दिया। वो कह रहा है जी क्रिएट बोथ गूगल एनालिटिक्स फॉर यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, नहीं जी मुझे सिर्फ यूनिवर्सल एनालिटिक्स ही चाहिए, तो मैं ये सेकंड वाला चेक करूंगा। ये भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग इसके साथ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली यूनिवर्सल आईडी क्रिएट करके इसको यूए वाली आईडी जनरेट करके इसको सेटअप करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आया, मैंने एडवांस सेटिंग को ऑन किया, यहाँ पे यूआरएल दिया, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्रिएट अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को मैंने ऑन किया। उसके बाद मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। अब मेरे पास आ रहा है जी कि आप इंडस्ट्री कौन सी है, सबसे पहला आ रहा है हेल्प अस टॉलरेट योर एक्सपीरियंस बाय आंसरिंग द फॉलोइंग, आपकी अब कौन सी है जी, किस चीज से रिलेटेड है जी आपकी वेबसाइट, तो मैं कहता हूँ जी ये है कंप्यूटर, नहीं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, चले मोस्ट जो नियरेस्ट होगी ना वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, मैं कहता हूँ जी इंटरनेट एंड टेलीकॉम, ठीक है, तो इस चीज से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मोस्ट रेलिवेंट होगी ना आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है जी आगे ऑडियंस साइज क्या है जी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा जी आपका टारगेट एरिया क्या है, ठीक है, बिजनेस साइज क्या है आपका, लाइक अगर छोटा सा बिजनेस है, आप किसी एक स्टेट में अपनी सर्विस दे रहे हैं, लोकल बिजनेस लाइक प्लम्बरिंग सर्विस इन न्यूयॉर्क, तो सिर्फ न्यूयॉर्क होगा, तो न्यूयॉर्क के अंदर जितने भी लोग हैं, जितना भी आपकी बिजनेस का साइज है, लाइक आपके पास 50 एम्प्लॉय हैं, तो वो आएगा जी मीडियम के अंदर, ठीक है, इससे ज्यादा है तो वो उस हिसाब से आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस, टिक ऑल डेट अप्लाई, ठीक है, तो जो जो चीजें आप करना चाहते हैं मैं इन सबको ऑप्टिमाइज कर देता हूँ जी, मैंने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज भी करना है, मैयर करना है, ये वो, मैं इन सारे फीचर्स को लेना चाहता हूँ, और मैं इन सारे फीचर्स को चेक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मीडियम किया है, आप अपने बिजनेस के हिसाब से करेंगे, तो ये एक दो दफा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है जी,
उसके बाद क्रिएट, यहाँ पे वो कह रहा है जी कि टर्म एंड कंडीशन है कुछ गूगल की, तो आई एक्सेप्ट, इसको पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ लें, अदरवाइज आई एक्सेप्ट, और नीचे भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जी इनकी, तो इसको भी मैं आई एक्सेप्ट मेजरमेंट, ठीक है, और उसके बाद मैं आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है जी, इसको सिंपली हम लोग बंद करते हैं। लो जी, यहां तक था मेरा गूगल एनालिटिक्स का सेटअप। तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया है, ट्रैकिंग आईडी आ गई, जो क्या करेगी, वेबसाइट को ट्रैक करेगी, और नीचे ट्रैकिंग आईडी का कोड आ गया, ग्लोबल साइट टैग। अच्छा, अब ये जो सेटअप मैंने करवाया है ना, ये हर वेबसाइट के लिए सेम होगा, कंट्री चेंज हो सकती है, करंसी चेंज हो सकती है, ऑडियंस का सॉरी कंपनी साइज चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर के एम्प्लॉय कितने हैं, बिजनेस साइज कितना है, बाकी ओवरऑल सेटिंग सेम होंगी सारे सारी वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या यहां तक ओके है काम, क्या अब हम लोग यहां इसके बाद ये सब करने के बाद हम लोग वेबसाइट की ट्रैफिक को ट्रैक कर पाएंगे, क्या हम लोगों ने काम कर लिया सारा, क्या अब हम लोग अपनी वेबसाइट की रैंक स्टैटिस्टिक्स वगैरह देख सकते हैं, मुझे बताएं। गूगल एडिस का सेटअप कंप्लीट हो गया अभी तक, जो हम लोगों ने करना था, तो मुझे ये क्वेश्चन ये मेरा ये है कि क्या अब हम लोग ये एनालिटिक्स वगैरह देख सकते हैं गूगल के, हमारी वेबसाइट के। जी यस यस सर, नो नो, बाकियों को क्या लगता है यार, कोई बात नहीं, आप लोग इवन एटलीस्ट आंसर तो दिया करें, आई थिंक वी नीड टू डू समथिंग मोर, आपना क्या करना चाहिए। अच्छा, नो वालों को क्यों लगता है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों अभी हमें स्टैट शो नहीं होंगे, और यस वालों को क्यों लगता है कि हाँ जी होंगे, एनीवन, कोई एक बंदा मुझे हाँ यस वाला, एक बंदा नो वाला रीजन बता दे जो आपके माइंड में। पहले सर्च कंसोल, आमर कह रहे हैं पहले सर्च कंसोल, आमर आपको किसने कहा कि पहले सर्च कंसोल अगर हम लोग करेंगे फिर गूगल एनालिटिक्स के स्टैट देख पाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सर्च कंसोल का कोई ताल्लुक नहीं है गूगल एनालिटिक्स से, अभी काफी काम करने वाला रहता है, क्या काम करने वाला रहता है, मतलब लॉजिकली मुझे एक्सप्लेन करें ना कि अभी हमने क्या नहीं किया, अगर आपके पास रीजन है तो, और यस वाले क्यों कह रहे हैं कि यस, कोई भी यार गलत सही बता दिया करो, कोई मसला नहीं है। As you say, this setup is finished. Okay. अच्छा, मेरी बात मान रहे हो आपने। We need to register this property in Google's console. नहीं, मैंने पहले बता दिया कि गूगल कंसोल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये गूगल एनालिटिक्स है जो आपके स्टैट्स बताता है, गूगल सर्च कंसोल एक सेपरेट चीज है। क्योंकि एसईओ के बाकी सेटअप रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, वो नहीं भी करेंगे तब भी होगा। एग्जैक्टली, ये जाहिद सही कह रहे हैं। अब बात ये है कि हम लोगों ने, मैंने मुझे आप ये बताओ कि हम लोग गूगल एनालिटिक्स पे आए, हम लोगों ने यहाँ पे सारा सेटअप कर लिया, हमने प्रॉपर्टी पूछी, उन्होंने ऐड कर दी, यूआरएल पूछा, ऐड कर दिया, सारा कुछ ऐड कर दिया, कोई ऐसा स्टेप आया जिस स्टेप में मुझे उन्होंने रोका हो, या मुझे ये वेरिफिकेशन की हो कि जिस वेबसाइट का डाटा आप ऐड कर रहे हो वो आपकी वेबसाइट है भी या नहीं, अगर ऐसे ही मुझे ट्रैकिंग शो होती तो मैं फेसबुक की ट्रैकिंग ना कर लेता, मैं सारा कुछ ऐड करता, एट द एंड मुझे फेसबुक की ट्रैकिंग शो होना शुरू हो जाती, मुझे पता चलता जी फलां बंदे की फलां वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, हालांकि ये तो पर्सनल स्टैट है। तो अभी तक मुझे जितना भी सेटअप मैंने किया है, मेरे पास कोई भी ऐसा स्टेप नहीं आया जिसमें उसने मेरे से ये वेरिफिकेशन मांगी हो कि जी आप जो आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करें कि जिस वेबसाइट का डाटा आप ऐड करें वो आपकी है भी या नहीं, कोई ऐसी वेरिफिकेशन मांगी है, लॉजिकल बात है ना, नहीं मांगी, ठीक है, मैं स्मूथली ये काम करता आया हूँ। अब एक चीज हमारी रह गई है, जैसे जाहिद कह रहे हैं
हम लोगों ने वेबसाइट को कनेक्ट नहीं किया, ये ट्रैकिंग आईडी आपकी आ गई, ये ट्रैकिंग कोड आ गया आपके पास, ये ट्रैकिंग आईडी आ गई। अब इस ट्रैकिंग आईडी को जब मैं अपनी वेबसाइट के साथ इम्बेंड करूंगा ना, अटैच करूंगा, कनेक्ट करूंगा, देन गूगल एनालिटिक्स इसको फेच कर पाएगा, क्योंकि अभी तो गूगल एनालिटिक्स के पास भी कुछ ऐसा सोर्स नहीं है कि वो ट्रैफिक को, आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक को फेच कर सके। कुछ ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा ये कि हम लोगों ने वेरीफाई नहीं किया, ठीक है? तो क्या रहता है जी, हमारा कनेक्शन रह गया है, फाइनल स्टेप हमारा है कनेक्शन का, ठीक हो गया। तो गूगल एनालिटिक्स का सेटअप यहाँ तक है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, कनेक्टिविटी हमारी रह गई है जी, ठीक है? अब हम लोग इसको करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ ट्रैकिंग आईडी को कनेक्ट, देन हम लोग, देन गूगल एनालिटिक्स को ये कंफर्म हो जाएगा जी कि ये वेबसाइट इसी बंदे की है, और ये इसकी ट्रैकिंग आईडी जब उसमें चली गई तो डेफिनेटली वो उसको फेच कर पाएगा, डाटा को, स्टैटिस्टिक्स को देख पाएगा, ठीक है? अच्छा, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये वाली बात क्लियर है, ये जो मैंने बात बताई है ये क्लियर है, ओके है ना जी? तो यहाँ तक अभी हम लोग नहीं कर सकते, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो सिंपल इज दैट, क्लियर है यहाँ तक? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लें, मैं आपको कनेक्शन करना सिखा रहा हूँ जी अभी। चलें जी, अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं जी, इसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, हर दफा कोई भी काम हम लोग एसईओ में कर रहे होंगे ना, आपके पास एक से ज्यादा तरीके होंगे हमेशा, शायद कोई ऐसा तरीका, कोई शायद कोई ऐसा काम हो जिसके लिए आपके पास एक ही तरीका हो। वर्डप्रेस बड़ा फ्लेक्सिबल है, बड़ा कुछ किया जा सकता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपके पास अब गूगल एनालिटिक्स को करने के भी मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट कह लेंगे मैनुअल तरीका है, सीधा सीधा तरीका है, वो ये है जी, ये ऊपर देखेंगे क्या लिखा है, दिस इज ग्लोबल साइट टैग ट्रैकिंग कोड फॉर दिस प्रॉपर्टी, कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एज फर्स्ट एटम इनटू योर हेड सेक्शन ऑफ द पेज यू वांट टू ट्रैक, ठीक है? वो कह रहा है जी कि आपने हेडिंग में जाके ना, अपनी वेबसाइट के मेन हेडिंग में, होम पेज की हेडिंग में ये वाला कोड जाके पेस्ट कर देना है, ट्रैकिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सबसे पहला स्टेप ये है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ जी, मेरे पास अब दो तीन चार तरीके हैं। अब हेडिंग को मैंने एक्सेस करना है, एक तरीका ये है जी, ट्रिपल जीरो वेब होस्ट, चलिए पहले डैशबोर्ड वाला तरीका देखते हैं। कोड हो गया कॉपी, ट्रैकिंग आईडी और चीज़ है, पहले मैं कोड की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने ज़्यादा तरीके हैं मेरे पास, फिर मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा जो आप लोगों ने फॉलो करना है। अच्छा जी, कॉपी कर लिया जी कोड, हम लोग आते हैं अपेयरेंस, अपेयरेंस में आके थीम एडिटर में आते हैं हम लोग, ठीक है? अपेयरेंस देन थीम एडिटर, अब यहाँ पे थीम की आपको रूट फाइल्स मिलेंगी, ओके जी, ठीक है? शापले हमारे थीम्स का नाम था, क्योंकि मैंने थीम चेंज नहीं किया था पंजाब वाली वेबसाइट में, आपको याद हो तो, वरना आप लोगों ने तो शायद वो थीम कौन सा इंस्टॉल किया था, एस्ट्रे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ जी, मुझे हेडर डॉट पी एच पी की फाइल ढूंढनी है, यहाँ पे उसने लिखा भी होगा कि जी हेडर डॉट पी एच पी वाली फाइल होगी। खैर नहीं, अभी उसने लिखा है कि हेड सेक्शन में जाना है आपने, तो हेड सेक्शन डेफिनेटली हेडर वाली फाइल उसमें होता है। तो ये देखें जी, मैं जहाँ पे हेडर डॉट पी एच पी वाली फाइल मुझे मिल गई, इंडेक्स डॉट पी एच पी फुटर और उसके इन बिटवीन पड़ी हुई है जी, हेडर डॉट पी एच पी वाली फाइल ये आ गया जी, हेडर डॉट पी एच पी वाली फाइल, ये उसका कोड आ गया। अब मुझे यहाँ से हेड सेक्शन ढूंढना है, जैसा कि हमें उसने कहा है, ठीक है? ये देखें जी, मुझे हेड सेक्शन मिल गया, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है? अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक अगर मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ ना, ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया गूगल एनालिटिक्स का, ये रहा जी आपका कोड गूगल एनालिटिक्स का। इसको मैं अगर कर दूँ अपलोड फाइल और सेव कर दूँ तो डैट सीट है जी, आपका गूगल एनालिटिक्स 110% काम करेगा। जाहिद, मैं रिपीट करता हूँ, हम लोगों ने क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर लिया, यहाँ पे आपके पास ट्रैकिंग आईडी आ गई, आपके पास ट्रैकिंग कोड आ गया, ऊपर लिखा हुआ है जी कि इस कोड को आप अगर हेड में डालेंगे तो हम लोग ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे, लाइक गूगल एनालिटिक्स इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। अब तरीका क्या है जी, सिंपलेस्ट वे,
मैनुअल है, आप लोग हेडर को एक्सेस करो अपनी वेबसाइट के, उसके अंदर जाके सिंपली ये कोड एक्सेस करो, ऐड कर दो सॉरी। तो मेरे पास पहला तरीका हेडर को एक्सेस करने का ये था, मैं थीम में गया, थीम एडिटर में गया, यहाँ पे मैंने हेडर डॉट पी एच पी वाली फाइल ढूंढी, क्योंकि मुझे पता है हेड वाला सेक्शन हेडर में होगा, हेडर डॉट पी एच पी वाली फाइल में। हेडर डॉट पी एच पी वाली फाइल ढूंढी मैंने, और ढूंढने के बाद मेरे पास ये फाइल आ गई, और उस फाइल के अंदर फिर मैंने हेड सेक्शन ढूंढा, ये वाला हेड सेक्शन, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मुझे कहा गया था। हेड सेक्शन ढूंढ लिया, हेड सेक्शन के अंदर मैंने अपना सिंपली कोस्ट को पे अपने जो एनालिटिक्स का कोड है ना, जो ट्रैकिंग कोड है, ये वाला इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस फाइल को करूंगा फाइल अपलोड, सेव करूंगा, 110% आपका गूगल एनालिटिक्स काम करेगा, ठीक है, सिंपल है। ये वाला मेथड क्लियर हुआ आपको? मतलब इसमें कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना पड़ा मुझे, कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ा। लेकिन अब इस मेथड का सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि समटाइम क्या होगा कि हेडर फाइल आपको मुश्किल मिलेगी, क्योंकि हर बंदा टेक्निकल नहीं होता। फिर मैं वही बात करूंगा, आपको शायद हेडर की फाइल मिलना मुश्किल हो जाए, या समटाइम थीम कुछ ऐसा होता है उसके अंदर हेडर फाइल हिडन होती है, उनको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो हेडर फाइल नहीं मिली तब क्या करेंगे जी, तब तो आपको कोड ही नहीं ऐड कर पाओगे आप, ठीक है। अगर तो मिल जाती है, आप ऐड कर सकते हो, तो वेल एंड गुड है जी, आपको किसी किस्म का कोई प्लगइन यूज करने की जरूरत नहीं है, आपका कोड ऐड हो चुका है और दैट्स इट, ठीक है, काम सारा हमारा हो गया। अच्छा जी, अब ऐसा है कि अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ तो काम हमारा हो गया। अब अगर आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जिनको कोडिंग से वैसी एलर्जी होगी कि सर ऐसा नहीं, कुछ सीधा सीधा तरीका बता दें, ठीक है। तो एक तरीका कोड को एक्सेस करने का ये था जी, मैंने कोड को ढूंढा, मैंने कोड ऐड किया और इसको कर दिया, खैर मैं अभी इसको कर रहा हूँ रिमूव। दूसरा तरीका ये जी कि मैं 000 वेब होस्ट में जाऊंगा, मैं वहां पे जाके इस हेडर फाइल को ढूंढूंगा। अब यहाँ पे पड़ी हुई है तो डेफिनेटली 110% वो आपके रूट में भी पड़ी होगी, क्योंकि रूट से ही तो फाइलें यहाँ पे आ रही होती हैं। तो हम लोग थीम में जाएंगे, थीम में जाके हम लोग हेडर की फाइल ढूंढेंगे, हेडर की फाइल में जाके मैनुअली कोड ऐड कर देंगे, वो भी वहीं पे ऐड होगा जो यहाँ पे हो रहा था। मतलब हेडर को एक्सेस करने का तरीका ये डिफरेंट है। मैंने बताया कि अगर थीम हेडर की फाइल यहाँ पे नहीं है तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे जाके ढूंढ लेनी है। दूसरा तरीका ये है जी, ठीक है। तो दूसरा तरीका जैसे मैंने कल करवाया था मैनुअल के, आपने होस्टिंग में जाना है, लॉगिन करना है, फिर आपने जाके, कल हम लोग गए थे थीम्स प्लगइन वाले फोल्डर में, आज हम लोग जाएंगे जी थीम वाले फोल्डर में। थीम वाले फोल्डर में जाके हम लोग जाएंगे हेडर वाले फोल्डर में, हेडर वाले फोल्डर में जाके हम लोग जाएंगे जी हेडर डॉट पी एच पी वाले फोल्डर में, और उस फोल्डर के अंदर आपके पास आ रहा होगा हेडर डॉट पी एच पी का कोड, और उस कोड के अंदर हेड सेक्शन आ रहा होगा, और उस हेड सेक्शन के अंदर आपने ये कोड पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये तो पता नहीं क्या है, इसको चल नहीं रहा। बहरहाल ये वाला मेथड आप खुद करोगे, अभी ये चल नहीं रहा, चल गया तो चलो मैं अभी करवा दूंगा, चलें जी चल गया इस, चलें ये भी मैं आपको करवा ही देता हूँ। बाकी ये है कि इसके अलावा, सॉरी ये तो मैंने गलत लॉगिन कर दिया, ये वाला तो था नहीं, ये दूसरी वेबसाइट का था। चले खैर, मैंने आपको वो फाइल ही दिखानी है तो मैं फाइल दिखा देता हूँ, ये देखें ये रोजगार पाकिस्तान वाली वेबसाइट है। एनीवेज हम लोगों ने तो फाइल ही ढूंढनी है ना, कोड हम लोग पेस्ट कौन सा करके ऐड करने लगे हैं, तरीका ही बताना है ना। चलो इधर से बता देता हूँ। अच्छा जी, फाइल मैनेजर डैशबोर्ड में आ गया, उसके बाद मैं फाइल मैनेजर में गया, अपलोड फाइल्स पे मैंने क्लिक करना है और मैं रूट में चला जाऊंगा। चीजें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये कि पहली दफा करोगे तो वो जाहिर सी बात है आपको नई चीज लगेगी, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, इसको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा चीजें। अच्छा जी, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में जा रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास डब्ल्यूपी कंटेंट वाले फोल्डर में ना थीम्स का एक फोल्डर आ रहा है, ये देखिए, कल मैंने प्लगइन्स में गया था, आज मैं थीम्स में जाऊंगा, ये मेरा थीम का फोल्डर है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि ये शापले मेरा थीम इंस्टॉल है, तो मैं थीम में चला जाता हूँ जी। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपनी हेडर की फाइल ढूंढनी, लो जी मेरे पास बाहर ही पड़ी है हेडर की फाइल, मैं हेडर की फाइल को करता हूँ जी ओपन, ओपन होगी, ओपन होने के बाद ये हेड खड़ा है जी, इसका कौन सा मुश्किल काम था, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे आए कोड को करें पेस्ट, सेव, क्लोज, दैट्स इट, वही काम हो गया जी, ठीक है। हेडर को फाइल हमने रूट में जाके भी एक्सेस कर लिया, तो जो चीज आपको यहाँ पे मिलेगी ना, तो 100% वो फाइल यहाँ पे भी होगी, क्योंकि यहीं से तो फाइल वहां पे जा रही है, ये तो आपके वेबसाइट का रूट है ना, रूट को समझते नहीं है, जड़े हैं आपकी, जहां पे आपकी वेबसाइट का टोटल कोड पड़ा हुआ है, अब उस कोड को आपने एक्सेस करना है, तरीके डिफरेंट हैं जी। तो आई होप कि ये दो मेथड आपको क्लियर हुए हैं, अगर नहीं हुए तो पूछ लें,
एक और एक दो तरीके सिंपल और बताऊंगा, वो इससे बड़े ही सिंपल है, आप लोगों ने उन तरीकों से करना है। इन तरीकों से अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो गुड्डा जी कर लें, नहीं तो जो तरीका मैं सीधा सीधा बताऊंगा आपने सिंपली वो कर लेना, कोई कोडिंग शोडिंग की तरफ जाना ही नहीं। क्योंकि समटाइम क्या होता है, कहीं अगर आपने गलत जगह पे कोड ऐड कर दिया ना, तो वेबसाइट का डिजाइन इफेक्ट हो सकता है, वेबसाइट डाउन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली आपको पता है कि चीजें कोडिंग से सारी बनी हुई है। चले मुझे बताएं अगर क्लियर है तो, ये दो मेथड अगर क्लियर हैं बिल्कुल तो मुझे बताएं जी। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई पूछना है तो बिल्कुल आप पूछें, कोई मसला नहीं। हाँ जी, एनीवन। नहीं, रिप्लेस नहीं करना, अगर एनालिटिक्स का कोड पहले है फिर तो हमने गूगल एनालिटिक्स करना ही नहीं है। ऐसा है ना अमर, कि क्लाइंट ने अगर ऑलरेडी अपना कोड ऐड किया हुआ है तो हम लोग क्यों अपना कोड ऐड करेंगे भाई। बेसिकली हमने क्लाइंट को ही ये फीचर देना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपना कोड ऐड करके क्लाइंट को एक्सेस कैसे दोगे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर एनालिटिक्स अभी ऑलरेडी है तो फिर हम लोग करेंगे नहीं, डेफिनेटली क्लाइंट को बताएंगे कि जी ये ऑलरेडी था। चलें जी, वेरी गुड। अच्छा जी, तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए जी कि आपने किस किस तरह से करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर, सिंपली क्लोज करता हूँ, मैं इसको सेव नहीं करता। अच्छा, यहाँ से मैंने ऐड ही नहीं किया था। चलो जी, अगला तरीका है जी, बड़ा ही सिंपल है। मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, वही बात, अगर कोई फीचर चाहिए तो हम लोग जाएंगे प्लगइन्स के पास। प्लगइन हमें सिंपल सिंपली हर चीज को कर रहे होंगे, ठीक है, बड़ा ही सिंपल कर देंगे चीजों को। जैसे कोई ऐप है, कोई काम करना है, उसके लिए आप नया ऐप इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं जाता हूँ ऐड न्यू प्लगइन्स में। अब मेरे पास सिंपली मैं जाके यहाँ पे लिखूंगा गूगल एनालिटिक्स, मैं लिखता हूँ जी गूगल एनालिटिक्स। चेक करें, मेरे पास मल्टीपल प्लगइन आ गए। पहला प्लगइन मेरे पास आ गया गूगल का किट है, इसके अंदर आप सारे कोड ऐड कर सकते हैं। ये इसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा ना, इसके अंदर आप गूगल एनालिटिक्स का, सर्च कंसोल का, एडिशंस का, सारे कोड इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपको ये फीचर देता है, ये गूगल का अपना प्लगइन है, ये देखें लिखा हुआ है बाय गूगल, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है जी इसकी कि रेटिंग अच्छी नहीं है, चेक करें, 4 स्टार है, 1 मिलियन इसके एक्टिव इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन 4 स्टार है। अगला प्लगइन देख लेते हैं जी, मूनस्टर इनसाइट गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड, अच्छा प्लगइन है, 4.67 इसकी रेटिंग है, गूगल के प्लगइन से अच्छी रेटिंग है, और 3+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी, एक्टिव इंस्टॉलेशन भी ज्यादा हैं। उसके पास एक और नीचे प्लगइन आ रहा है जी, ये वाला, उसके पास ये आ रहा है गूगल एनालिटिक्स, गूगल जीए गूगल एनालिटिक्स बाय जेफ स्टार, इसकी कोई है 6 लाख के अराउंड एक्टिव इंस्टॉलेशन, 136, 5.0 पॉजिटिव फीडबैक है। तीनों प्लगइन ही अच्छे हैं। ऐप आते हैं ना हमारे पास, हम लोग फोन में भी अगर इवन कोई चीज डाउनलोड करनी है, चेक करनी है, हमारे पास मल्टीपल ऐप आ जाएंगे। अब कोई भी डाउनलोड करेंगे वो काम करेगा, ठीक है। हमने देखना क्या होता है, कंपैरिजन कैसे करना होता है रेटिंग की बेस पे, कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। ये वाला प्लगइन मॉन्स्टर इनसाइड आपकी वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्यों है, आपका जो 000 वेब होस्ट है ना, वो इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर देता है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा, अपडेट नाउ का आ रहा है, मतलब ये इसकी कोई अपडेट आई होगी, वो अपडेट करूंगा तो इंस्टॉल तो ये ऑलरेडी है। दूसरा प्लगइन है जी मेरे पास गूगल एनालिटिक्स और ये गूगल किट वाला। तो जो जो हमारे पास है एक्टिव वो तो चलो है, अब तीनों प्लगइन की सेटिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। कोई कहेगा जी कि ट्रैकिंग आईडी ऐड कर दें, कोई कहेगा जी इसको कॉन्फिगर कर दें। तो मुझे अब आप लोग ये बताओ कि मैं इनमें से कौन सा प्लगइन यूज करूं, 1, 2 एंड 3। चलो इसको तो छोड़ दो ना, इसको तो रेटिंग की बेस पे हम लोग इसको निकाल ही देते हैं। चलो मैं कहता हूँ जी गूगल किट वाला तो निकल ही गया, क्योंकि हमें एडिशंस का कोड वगैरह नहीं चाहिए, हम लोग इसको यूज ही नहीं करते। ये दो आ गया जी हमारे पास, एक ऑलरेडी इंस्टॉल है, एक हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, दोनों ही बड़े सिंपल हैं। ये गूगल एनालिटिक्स मैं ये वाला करूंगा तो इसके अंदर वो मुझे ट्रैकिंग आईडी कहेगा, वो मैं ऐड करूंगा। ये मॉन्स्टर इनसाइट है तो ये उससे भी सिंपल है कि मतलब सिर्फ कॉन्फिगर ही करना है आपको, ठीक है। तो मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा प्लगइन आप चाह रहे हैं कि मैं यूज करूं, फर्स्ट ये, सेकेंड है, थर्ड गूगल एनालिटिक्स। अमर कह रहे हैं गूगल एनालिटिक्स, आप मुझे ये बताएं इन दोनों में से कौन सा, लाइक ये फर्स्ट है ये सेकंड है, थर्ड वाली बात ही नहीं है, सेकंड आप लोग कह रहे हैं ये वाला यूज करें, ठीक है जी।
हम लोग वोटिंग कर रहे हैं जी, जो लोग आप लोग कहेंगे, जो मेजोरिटी कहेगी हम लोग को करेंगे। मोस्टर इनसाइड मरियम कह रही हैं जी। हाँ जी, बाकी बाकी आप लोगों ने दोनों ट्राई कर लेने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस ही है जी, कर लें तो अच्छा है। चले जी, दो दो वोट हो गए हैं हमारे पास, सेकंड थर्ड इक्वल है काम अभी तक तो। फर्स्ट उजाला, फर्स्ट लाइक मॉन्सून इनसाइट। अच्छा, मॉन्सून इनसाइट वाला सेकंड। इक्वल इक्वली है काम। चलें चलें, जाहिद कहाँ पे है? जाहिद ने क्योंकि काम किया है तो मैं बात मानूंगा जी उस स्टूडेंट की जो काम करता है। तो जाहिद ने कहा है जी मुझे, जाहिद आपने कमेंट किया है, चलो जाहिद ने कहा है जी हम लोग करते हैं मॉन्स्टर इनसाइड वाला। चलें जी, हम लोग जाहिद की बात मानेंगे, वैसे तो वोटिंग ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, इसको अपडेट कर लेते हैं फिर। वैसे भी चलो एक फायदा इसको करने का और भी है कि हमारे पास स्पेस कम है, अगर हम लोग ज्यादा प्लगइन ऐड करेंगे तो पहले हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, 300 MB की स्पेस है। बाकी इसको भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। चलिए हम लोग इसको करते हैं अपडेट, और इसको मैं आपको इसी से कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ। सिंपल है, दोनों ही सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अपडेट हो गया जी, मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में। यहाँ पे देखें जी, मेरे पास आ रहा है मॉन्स्टर इनसाइड, ये देखें जी। इसको सेटअप करने का तरीका ये है कि ये सेटिंग है इसकी, सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये प्लगइन में मेरे पास आ रहा है प्लगइन, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे मैं करता हूँ क्लिक, ये देखें जी मेरे पास वेलकम टू मॉन्स्टर इनसाइड, कनेक्ट मॉन्स्टर इनसाइड गूगल ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे सिंपली मैंने कनेक्ट करना है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है प्लगइन। इंस्टॉल करके सेटिंग में आना है इसकी, और यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कनेक्ट मॉन्स्टर इनसाइट, कनेक्ट मॉन्स्टर इनसाइट पे करूंगा क्लिक। मेरे पास जी मेरी ईमेल्स ओपन होगी। अब किस ईमेल से हमने गूगल एनालिटिक्स का सेटअप किया है जी? हम लोगों ने किया है जॉन बटन 009 से, ठीक है। हो सकता है आपके ब्राउजर में मल्टीपल ईमेल्स लॉग इन हो, जैसे मेरे पास अभी दो हैं तो मेरे पास दोनों आ रही हैं, लेकिन आपने मेक श्योर ये करना है कि जिस ईमेल से आपने एनालिटिक्स सेटअप किया ना, वही ईमेल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मैंने इस वाली से किया तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सारा डाटा फेच करेगा, ये देखें एक्सेस मांग रहा है, मैं इसको अलाउ कर दूंगा। अलाउ करने के बाद ये देखें जी, अब मेरे पास मेरी वेबसाइट आ गई, ई रोजगार पंजाब .000webhost.com, ठीक है, आ गई। अगर मेरे गूगल एनालिटिक्स के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स होती तो यहाँ पे मेरे पास एक, ओहो, यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता जिसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही होती, ठीक है। अब हर वेबसाइट का ट्रैकिंग आईडी अलग होता है ये वाला, और डेफिनेटली उसका यूआरएल भी डिफरेंट होगा। तो अगर मल्टीपल वेबसाइट होंगी तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा होगा, जो वेरी वेबसाइट जिसको मैं करना चाह रहा हूँ उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अभी तो है ही एक, तो एक आ रही है। उसके बाद मैं इसको कंप्लीट कनेक्शन पे कर दूंगा क्लिक। ये कह रहा है जी फाइनलाइजिंग ऑथेंटिकेशन। अब इसने क्या किया है, इस गूगल एनालिटिक्स को फेच कर लिया अपनी तरफ खुद ही, मुझे कोड वगैरह ऐड नहीं करना पड़ा। इस प्लगइन का फायदा ये है, कोई कोड नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी ब्राउजर में अगर आपका जीमेल लॉगिन है तो सिंपली कनेक्ट ही करना है, जैसे आपने फेसबुक को कनेक्ट किया था अपने फाइबर के साथ, गूगल को कनेक्ट किया था फाइबर के साथ, वही सीन है। अच्छा जी, ये करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है जी, ये सेव चेंजेस कर देनी, इतना सा काम था जी, सेव चेंजेस कर देनी है, आपका काम हो गया जी। लो जी, हमारा तो काम ही हो गया, बस इतना सा काम है जी। अब यहाँ पे आप लोग अगर इसको कंफर्म करना है तो एक्टिव प्रोफाइल, और ये ट्रैकिंग आईडी आ रही है 2184, एक्टिव प्रोफाइल ये इसकी आईडी है 2184 36, यही है जी। ट्रैकिंग आईडी कंफर्म कर लेनी है, सेम है, इसका मतलब कनेक्ट हो गया जी, दैट्स इट। हिबा मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, क्लास के बाद देखता हूँ, ठीक है, करवा दूंगा आपको, ठीक हो गया जी। तो ये क्या हुआ जी, कनेक्ट हो गया, आईडी को कंफर्म कर लेना, डेट शीट, इतना सा काम था जी, ये हमारा हो भी गया। सेव चेंजेस करके इसको क्लोज कर दें, गूगल एनालिटिक्स का सेटअप हो गया जी हमारा। अब क्या है, अब जब यहाँ पे स्टैट्स हमारे आ रहे हैं, अभी देखें कुछ भी स्टैट्स नहीं है, 0-0 सब आ रहा है, तो डेफिनेटली गूगल एक दो दिन लेगा।
इसके डाटा को फेच करते हुए, और उसके बाद फिर ये हमें स्टैट्स दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा काम गूगल एनालिटिक्स का हो गया है, सेटअप हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो मुझे बताएं कि सेटअप यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो इसकी समझ आ गई है। प्लगइन ज़्यादा बेटर है आमना, मतलब एज ए बिगनर प्लगइन ज़्यादा बेटर है। जैसे जैसे आपका कह लें कि हाथ सीधा हो जाएगा ना वर्डप्रेस के साथ, आपको चीज़ें काफ़ी समझ आ जाएंगी, फिर आप मैनुअल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कोडिंग है इसको छेड़ेंगे तो अभी क्लियर नहीं रहेगा। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आप लोग करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्लगइन वाला सीधा सीधा काम है, कोडिंग की तरफ अभी ना जाएं तो बेहतर है। रिपीट कर दें सर, अल्लाह के बंदे दो दफ़ा तो रिपीट किया है, चलो फिर कर देता हूँ यार, जो हुक्म आपका। ठीक है, मुझे बताएं बाकियों को समझ आई है, कोई ऐसा जिसको लगता है कि समझ नहीं आई? चलो अहमद, अगर किसी और ने मुझे कहा ना कि समझ नहीं आई तो फिर मैं रिपीट करूंगा, वरना फिर आप क्या करना कि रिकॉर्डेड लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा देख लेना, क्योंकि मैं बार बार करूंगा तो फिर वो बोरिंग हो जाएगा यार बाकियों के लिए। एरर कम ही आएगा, बेहतरीन प्लगइन है। हाँ, अगर आता है तो आप अल्टरनेटिव की तरफ जरूर जाएं। प्लगइन का नाम है मॉन्स्टर इनसाइट, सिंपली आपने उसको एक्टिवेट करना है अहमद, मैं बता रहा हूँ वैसे ही। एक्टिवेट करने के बाद उसकी सेटिंग्स में जाना है, और जैसे ही सेटिंग्स खोलेंगे सामने लिखा हुआ आप कनेक्ट मॉन्स्टर इनसाइट, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वही जीमेल जिससे आपने कनेक्ट किया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है, और सिंपली ऐड हो गया। ट्रैकिंग आईडी मैच करके उसको सेव कर देना है डेट शीट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक चीज़ हमारी रह गई है जी, चले मैं आप लोगों को समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ जो रह गई है ना हमारी, वो ये रह गई है कि अब हम लोगों ने एक काम क्या किया है, हम लोगों ने अपनी जीमेल पे क्लाइंट का गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर दिया है। अब तो स्टैट्स हम देख पाएंगे, क्लाइंट कैसे देखेगा? प्रॉब्लम तो ये है ना, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम लोग क्लाइंट को कैसे अपनी ईमेल दे सकते हैं? हमारी तो पर्सनल ईमेल है। अब हम लोग अगर क्लाइंट को ईमेल देते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ये वाली ईमेल जो है ना वो क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता हूँ, तो उसके पास तो सारी वेबसाइट की एक्सेस चली जाएगी, तो मैं तो अपनी जीमेल नहीं दूंगा उसको। अब ये प्रॉब्लम है जी हमारे पास कि अब क्या करें हम लोग। अब इसके सोल्यूशन दो हैं जी। पहला एंड सिंपल सोल्यूशन ये है जी कि जब आप वेबसाइट की लॉगिन एक्सेस लिया करोगे ना क्लाइंट से, डेफिनेटली आपको वेबसाइट की लॉगिन एक्सेस चाहिए एसईओ करने के लिए, तो आप उसको कहोगे जी, साथ में ये भी कह सकते हो कि सर आप मुझे अपनी जीमेल का लॉगिन और पासवर्ड भी दे दें, क्योंकि अगर आप मुझे जीमेल का लॉगिन पासवर्ड देंगे तो मैं डेफिनेटली गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, बिंग सर्च कंसोल, ये सारी सेटिंग आपके ईमेल से ही कर दूंगा और बाद में आप इसको देखते रहना। एक स्टेप, एक सोल्यूशन ये है। अब इस सोल्यूशन का नुकसान क्या है? पहला नुकसान ये है जी कि फाइवर अलाउ नहीं करता कि आप ईमेल शेयर करें, लेकिन काम के लिए वो शेयर अलाउ करता है। लाइक आपको तो सिर्फ चाहिए गूगल एनालिटिक्स के लिए, चलो ये वाला ऑप्शन हम लोग निकाल देते हैं कि जी फाइवर इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा जी कि हम लोगों ने काम के लिए चाहिए। दूसरा ड्रॉबैक ये जी कि अगर आप उसको वेबसाइट का क्लाइंट का लॉगिन मांगते हो ना, वो कहेगा जी कि मैंने अपना जीमेल नहीं देना। मैं कह रहा हूँ आपको 80% केसेस में क्लाइंट कहता है कि मैं जीमेल नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरी पर्सनल ईमेल है और बहुत सारे अकाउंट उस ईमेल के साथ लिंक हैं। ठीक है, इवन आप किसी से भी उसकी पर्सनल ईमेल मांगेंगे ना, जैसे मेरी एक ईमेल है पर्सनल ईमेल, उसी के साथ मेरे पता नहीं कितने अकाउंट्स लिंक हैं, तो अगर मैं आपको उसकी एक्सेस दे दूंगा तो डेफिनेटली वो सारे अकाउंट रिस्क में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक इनसिक्योरिटी क्लाइंट को रहेगी, क्योंकि एक थर्ड पर्सन है, पता नहीं कहाँ बैठा है आपके साथ वो काम कर रहा है, तो हर बंदा ट्रस्ट नहीं करता, तो डेफिनेटली वो इनसिक्योरिटी रहेगी जी, मैं आपके साथ अपनी ईमेल शेयर नहीं कर सकता। तीसरा इसका जो नुकसान है वो ये रहेगा कि जब आप लॉग इन करोगे ना, चलो फान लोग क्लाइंट ने आपको दे दी है लॉग इन, अब आप लॉगिन करते हो, क्लाइंट है यूएसए का, जब आप अपनी पाकिस्तान की आईपी पे उसको लॉगिन करोगे, वो मांगेगा जी वेरिफिकेशन, कभी कोड वेरिफिकेशन, कभी वो कहेगा जी कि फलां में फलां फोन के अंदर ये लॉगिन है, उसके ऊपर 89 लिखे हैं जी। मतलब आजकल प्राइवेसी के भी बड़े इश्यूज आ रहे हैं, और जो डबल स्टेप वेरिफिकेशन है ना, उसके अजीब अजीब से तरीके हैं। लाइक जब आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, वो कहेगा जी जिस फोन में ये लॉगिन थी उस पे 89 दबाओ, क्लाइंट सो रहा होगा, आप जाग रहे होगे,
कभी क्लाइंट होगा कभी आप नहीं होगे, तो ये इशू भी रहेगा कि वेरिफिकेशन ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो ये आपकी सरदर्द वैसे बन जाएगी। ठीक है, अगर आप क्लाइंट की ईमेल लेते हो तो इसका सिंपलेस्ट तरीका, जो सोल्यूशन मुझे पता है जो मैं करता हूँ वो ये है, मैं यूं करता हूँ कि क्लाइंट से, क्लाइंट के सारी काम उसके अपने ईमेल पे करता हूँ, एक ईमेल मैं बनाता हूँ, उस ईमेल को मैं क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता हूँ और मैं एट द एंड उनको एक्सेस दे देता हूँ। सिंपल एक्सेस कैसे देता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी, अब मैंने जैसे आपके सामने गूगल एनालिटिक्स का सेटअप कर लिया, मैं कहता हूँ जी क्लाइंट को, मैं कहता हूँ कि सर आप मुझे अपनी ईमेल, सिर्फ ईमेल दे दें जीमेल वाली, मैं उसके ऊपर आपको एक्सेस दे देता हूँ, मुझे कोई पासवर्ड नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मैं उसको एक्सेस दूंगा ना, मैं उसको एडमिन बना दूंगा। अब वो एडमिन बन गया अपने गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट का, अब वो अपनी ईमेल के अंदर अपने सारे स्टैट्स दे सकता है और चाहे तो मुझे भी रिमूव कर सकता है, ना ही करेगा तो उसकी मर्जी, कर देगा तो मुझे तो कोई इशू नहीं, मैंने तो अपना काम कर दिया। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अपनी ईमेल पे सेटअप करो, देन क्लाइंट को एक्सेस दे दो। ठीक है जी, बाकी अगर आप ईमेल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। जो सोल्यूशन मुझे सही लगता है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है जी कि हमने एक्सेस देनी कैसे है। ठीक है, अकाउंट कनेक्ट कर लिया, अकाउंट बना लिया, हमने सारा काम कर लिया, अब हम लोगों ने जी क्लाइंट को एक्सेस देनी है उसकी जीमेल पे, कैसे देंगे जी। सिंपलेस्ट तरीका ये है जी इसका कि हम लोग जाते हैं इसमें, यहाँ पे हेडमैन, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा जी प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट, इसके ऊपर करेंगे क्लिक, क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखें प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट, यहाँ पे आपके पास प्लस का बटन आ रहा है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये ईमेल से मैंने किया था सेटअप, और यहाँ पे देखें रोल क्या है मेरा, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं, एडमिन हूँ यहाँ पे। वट इफ वी क्रिएट ए न्यू अकाउंट फॉर क्लाइंट मरियम, प्रॉब्लम पता ही क्या आएगी इसके अंदर, इन फ्यूचर जब आपके पास मल्टीपल ऑर्डर आएंगे, और इंशाल्लाह आएंगे, आपके पास 10 ऑर्डर आए हैं, 10 ईमेल कैसे बनाओगे मुझे बताओ। चलो 10 बना ली, जुगाड़ लगा लिया, क्योंकि आपको हर ईमेल के लिए नंबर की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, और वही प्रॉब्लम फिर ऐसे आपके पास आएगा। लाइक जब आपने, चलो ईमेल बना ली, मान लेता हूँ आपकी बात ठीक है जी, आपने ईमेल क्लाइंट के लिए नहीं बना ली, क्लाइंट को ईमेल पासवर्ड दे दी, जब क्लाइंट यूएसए की आईपी पे पाकिस्तान की खोलेगा ना जीमेल, उसको फिर वेरिफिकेशन मांगेगा वो। अब आप इधर बैठे हो, वो कहेगा जी पाकिस्तान का नंबर ऐड है, अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, तो क्लाइंट के लिए मसला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मसला आपके लिए ये होगा कि 1 2 3 4 10 ईमेल बना लोगे आप, उसके बाद आप नंबर कहाँ से लाओगे, बाकी ईमेल कैसे बनाओगे, तो ये प्रॉब्लम रहेगी अल्टीमेटली। ठीक है, सोल्यूशन को परमानेंट नहीं है ये, क्लियर हुई है बात। सिंपल जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट है। ठीक हो गया, तो क्लियर है मरियम, मुझे बताएं। चले नहीं, अब मुझे क्लाइंट ने ईमेल दे दी, मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, ऐड यूजर पे क्लिक करूंगा, यहां पे मैंने उसकी ईमेल ऐड करनी, लाइक क्लाइंट ईमेल, क्लाइंट मेल @gmail.com, मैं ऐसे ही डमी ईमेल को ऐड कर रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे रोल देना है जी, उसको रोल मैंने दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर, और मैंने इसको ऐड कर दिया जी सिंपली। ठीक है, लो जी ये मेरे क्लाइंट की ईमेल थी, ये उसकी ईमेल, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर बन गया है। अब यहाँ से रिमूव योर सेल्फ, आप खुद को भी रिमूव कर सकते हैं या वो क्लाइंट भी आपको रिमूव कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि मैं रिमूव कर दूँ इसकी एक्सेस, जब वो खोलेगा उसके पास भी दोनों एक्सेस आ रही होंगी, वो चाहे तो आपको रिमूव कर देगा, तो दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जाहिद करना कि आपने जब आप आ जाओगे ना ट्रैकिंग आईडी कोड वाली, आप जब सेटअप कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास नीचे एडमिन का ऑप्शन आ रहा होगा, नजर आ रहा है ना आपको एडमिन का ऑप्शन के बाहर नजर आ रही है। नजर आ रहा है आपको, चलेंगे। अच्छा आप लोग क्या करोगे, एडमिन पे क्लिक करोगे, मैंने एडमिन पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आ रहा है, प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और आगे मेरे पास ये ऊपर प्लस का बटन आ रहा है, प्लस देन ऐड यूजर, यहाँ पे उसकी ईमेल ऐड करनी है, यहाँ पे उसको रोल देना है, अगर किसी को ऑडिटर का, एनालिस्ट का रोल देना है तो उस हिसाब से, लेकिन हमने क्लाइंट को हमेशा एडमिन का रोल देना है, और देन ऐड पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे उसकी ईमेल आ जाएगी सिंपली। ओहो
ठीक है, यहाँ पे उसकी ईमेल ऐड हो जाएगी, रोल उसका एडमिनिस्ट्रेटर है, और वो चाहो तो आप अपने आप को खुद रिमूव कर सकते हो, और क्लाइंट के पास भी ऐसी ऑप्शन आ रही होगी, वो आपको रिमूव कर सकेगा। ठीक है, तो ये देखें, अब जैसे ही वो अपनी ईमेल खोलेगा ना, उसके पास एक्सेस होगी इसकी, उसको एक तो ईमेल चली जाएगी ईमेल के अंदर, दूसरा उसको गूगल एनालिटिक्स पे नोटिफिकेशन चला जाएगा जी कि आपका जो है ना वो आपको एक्सेस मिल गई है। तो ये बेस्ट तरीका है, तो एक्सेस देना, गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट सेटअप करना और एक्सेस देना, क्लियर हो गया जी आपको? बताएं मुझे। हाँ जी, बेस्ट सोल्यूशन है बाकियों से, ठीक है। ये जो चीजें मैं आपको बताता हूँ, ये मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की है मैंने, ठीक है। मुझे बड़ी दफा ऐसे इशू हुआ है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम लोग गूगल सर्च कंसोल करेंगे ना, तो वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने क्या किया जी, एसईओ करता था, उसने अपनी ईमेल से जब गूगल सर्च कंसोल किया ना, तो क्लाइंट के पास एक मैसेज आता है जी कि ए न्यू यूजर इज एडेड इन योर सर्च कंसोल, ओनरशिप के जैसा ईमेल जाता है। अब क्लाइंट पागल सा था, उसने क्या किया जी, उसने रिपोर्ट कर दिया, उसने कहा जी ये मेरी वेबसाइट को हैक कर रहा है ये, हालांकि उसने सिर्फ सर्च कंसोल को एक्सेस किया था, ठीक है, उसका बेचारे का अकाउंट ही बंद हो गया। तो ऐसा भी हो जाता है। खैर, ये चीज़ें वो हैं जो हम लोग विद एक्सपीरियंस सीखते हैं। तो आपको बेसिकली इस कोर्स में आने का, बाकी कोर्सेज और इस कोर्सेज या यूट्यूब से आप को जो डिफरेंस है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हर तरफ मिल जाएंगे, आप यूडेमी में चले जाओ, आप स्किल शेयर पे चले जाओ, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। वो आपको लर्निंग तो करवा देंगे, वो आपको एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर सकते कभी भी, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बाकी कोर्सेज और ई रोजगार का फर्क ये है कि जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको ट्रेनर यहाँ पे दे रहा होता है, ठीक है। अब स्किल आपको कोई भी सिखा देगा, अब ठीक है, अब आप गूगल पे एनालिटिक्स पे जा, उस पर यूट्यूब पे जाके लिखो जी कि जी गूगल एनालिटिक्स का सेटअप कैसे करना है, आपको 5,000 वीडियोज मिल जाएंगी यार, आप मेरे से अच्छी मिल जाएंगी, मेरे से अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन शायद वो ये चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन ना करें कि जी ये करें तो ये होता है, ये करें तो ये होता है, सीधा सीधा वीडियो बनाते हैं डेट सीट। तो जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको बेसिकली यहाँ से मिलता है, वो काम जो शायद मैंने 3 साल लगा के सिखा हो, मैंने आपको 1 घंटे की क्लास में बता देना, तो मेन फायदा आपको ये होता है। तो इस हिसाब से आप लोग लकी हो, जितने भी स्टूडेंट हैं ई रोजगार के स्पेशली। हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना चार्ज करना चाहिए। और स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो उस लेवल पे नहीं होते कि वो कुछ स्पेंड कर सके। मेरी तो इवन कोशिश ये होती है, आप लोगों को पता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अगर आपको कोई टूल भी बताता हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहता कि उसको परचेज करो, फ्री के साथ जाओ यार, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसे स्टार्ट किया, मैं इन स्टेजेस से निकला हूँ, मुझे पता है कि इस एज में ना आपके पास पैसे नहीं होते, अगर होते भी हैं तो हम लोग अभी लगाएंगे नहीं, ठीक है। मतलब इस एज में आपके पास टाइम होता है, एनर्जी होती है, लेकिन पैसे नहीं होते, स्टार्टिंग वाली एज ऐसी ही होती है, तो वो टाइम एनर्जी को यूटिलाइज करके हम लोग पैसे बनाएंगे, और उन पैसों से फिर पैसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला फॉलो करता हूँ मैं हमेशा। तो मैं कभी नहीं कहता कि आप ये स्पेंड करो, वो करो, ये लो वो लो, नहीं, जो अगर कुछ स्पेंड करना पड़ा, लाइक मैंने रिव्यूज कहा था आपको, अगर आप में से कोई ले ले तो वो आपको फायदा देते हैं, और अल्टीमेटली देते हैं, ठीक है। और क्योंकि उसमें से बहुत सारे पैसे आपके पास वापस भी आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा बड़ी स्पेंडिंग नहीं होती। ओके हो गया जी, तो मुझे बताएं जी, क्लियर होगी सारे मेथड वगैरह? अच्छा जी, 1:20 हो गए हैं, अब मुझे ये बताएं कि मैं गूगल सर्च कंसोल स्टार्ट करूं या फिर हम लोग आपके क्वेश्चन ले लें, जो इश्यूज आ रहे हैं वो ले लें।
जैसे आप लोग कहते हो, अगर स्टार्ट करना है तो मुझे बताएं, नहीं करना तो फिर भी बताएं। काम आप लोगों का बहुत रहता है तो वो करें लाजमी। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। चलें जी, हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बाकी काम ये रहना कुछ फिर कर लें, क्योंकि यार ना मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बहुत पीछे हैं, किसी का तो वर्डप्रेस ही सीधा नहीं हो रहा। सही बात बता रहा हूँ, तो बाकी तो क्या काम होना है, तो इसको प्लीज़ आप करें लाजमी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ साथ आएँ, मज़ा भी फिर है कि आप लोग साथ साथ आएँ। मैं आगे आगे चलता जाऊँगा, कोर्स भी हम लोगों ने कवर करना है। एक मेरे पास कह लें कि ये भी है मुझे इशू कि मैंने इसको कंप्लीट भी करना है, लेकिन ये है कि हमारे पास टाइम है। मैं कहता हूँ कि साथ ही चलें सारे, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा काम करवाता हूँ, वो बड़ी डिटेल के साथ करवाता हूँ। तो लेक्चर बाद में भी ग्रुप में अवेलेबल होता है, अगर आप देखना चाहो तो। एक लेक्चर, एक चीज़ समझ नहीं आती, दोबारा देख लो, दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड करो, दोबारा देख लो, फिर नहीं आती तो फिर मुझे मैसेज कर लो, यही है। अच्छा मुझे क्वेश्चन बताएं जी, आप लोगों के क्या क्वेश्चन है, क्या इश्यूज हैं। अच्छा एक चीज़ और होती है जी, मैं क्या करता हूँ आपके साथ स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे ना मेरे साथ, मतलब लाइव उसमें आना चाहे, क्या उसको कहते हैं, इसमें क्लास में, तो वो भी आ सकता है। मैं कर देता हूँ जी, हिबा मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। मैं ये वीडियो के नीचे एक लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, इस लिंक को पोस्ट करके मेरे साथ लाइव आ सकता है जी कोई भी, अगर किसी ने डिस्कशन करनी हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, इस लिंक को ओपन करें, मैं स्ट्रीमयार्ड में आपको ऐड कर दूंगा। किसी ने लंबा पूछना है तो चलो लिखने के बजाय वन टू वन इंटरेक्शन हो जाएगी। सर मैंने वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए सेट किया, चेंज किया तो वो वेबसाइट बंद हो गई। स्लग सिर्फ चेंज करना था हमने, आपने क्या चेंज कर दिया है। चलें जी, कोई स्ट्रीम यार्ड पे आना चाहे तो आ सकता है, बाकी जो क्वेश्चन है पूछ लें। अब ऐसा है सेमी हसन के मुझे यहाँ से तो पता नहीं चलेगा आपने क्या चेंज किया है, तो डेफिनेटली कुछ मुझे दिखाएं कि कैसे हुआ है, क्या किया है आपने, तो फिर ही कुछ मुझे पता चलेगा ना, तो मैं आपको सही से गाइड फिर ही कर पाऊंगा। वट विल वी लर्न टूमोरो मरियम, हम लोग इंशाल्लाह गूगल सर्च कंसोल को देख लेंगे कल, बिंग सर्च कंसोल को, जो पॉइंट्स रह गए हैं कौन कौन से रह गए हैं हमारे, गूगल एनालिटिक्स हो गया है, ओ जी मेटास, गूगल सर्च कंसोल, काम थोड़ा ही रह गया, ये एक कैनोनिकलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। डाटा स्ट्रक्चर डाटा रह गया और ये सारी चीज़ें, को बहुत ज़्यादा काम नहीं रह गया, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का एक दिन हमारा लगेगा, बाकी ये मैं इंशाल्लाह एक दिन में सारे कवर करवा दूंगा। उसके बाद ये लोकल है तो लोकल का हमारा थोड़ा सा काम है, तो ये वाला ये भी उसी दिन हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम लोग ऑफ पेज, तो ऑफ पेज इसकी सुधराएंगे। अहमद लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन ऑन करें यार, मैं इसको अनाउंसमेंट में ऐड करता हूँ वैसे। हाँ जी आमना, मिशाल के साथ शेयर कर दें, बाकी मैंने आपको दो तीन और भी मिशाल बताई थी, वर्ड स्पेस बताई थी, प्रो फ्री है उसको बताई थी।
हाँ 12 बजे खोल लिया करें, 12 बजे आपको जब क्लास की टाइमिंग पता है तो फिर आपको नोटिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। हाँ जी मरियम इंशाल्लाह। अब ये किसने कहा है, अनाया आपका नाम, मुझे नाम नहीं शो होता इधर लैपटॉप के ऊपर। एनीवे जो लेक्चर मिस हो गए उसका कोई सलूशन नहीं है जी, आपके लैब मैनेजर या किसी क्लास फेलो के पास अगर हो तो वो आप उनसे पूछ लें, अदरवाइज लैपटॉप जो है ना वो नहीं होगा। मेरे पास तो नहीं होते यार, ना मेरे ये अख्तियार में है चीज़। पहले भी मैंने बताया है कि ये सारी चीज़ें आपके लैब मैनेजर मैनेज कर रहे होते हैं, और 24 आवर्स के बाद आपका लेक्चर डिलीट हो जाता है ग्रुप से, तो ये लिमिटेशंस हैं, SOPs हैं उनकी अपनी, उनके अपने रूल्स हैं, तो फिर उनको फॉलो करना है आपने। इज़ा आपने यार नंबर ऐड करो ना, नंबर ऐड करो, सोशल अकाउंट्स को ऐड करो तो डेफिनेटली होगी, ठीक है। बाकी जूम इंस्टॉल करो, मैं ये करवाऊंगा आज आपको, ठीक है। जिनके इश्यूज आ रहे हैं जूम वगैरह इंस्टॉल करो, मेरे साथ लिंक शेयर करो, मैं वीडियो कॉल पे आपको करवा दूंगा स्क्रीन शेयर करके। क्लास ग्रुप में हो रही होती है अहमद, नया आप यूं करें किसी क्लासमेट के साथ ना कनेक्ट कर लें, लाइक आमना के साथ कर लें, वो आपको बता देंगी, ठीक है। तो आपस में जो है ना वो कोलेबोरेशन भी रखें एक दूसरे के साथ, हेल्प करें, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार, हेल्प किया करें। तो अनाया आप यूं करें, आमना, आमना आप करवा दीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना इनको जो चीज़ें मिसिंग है ना थोड़ी बहुत वो करवा दीजिएगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और इनकी भी हो जाएगी। ये जाहिद भी कह रहे हैं इनसे अगर आप कर सकते हैं तो इनसे कर लें, डिस्क्रिप्शन एडिट करनी है, गिग को एडिट करने का ऑप्शन होता है उसको करना है आपने एडिट, देन आपने उसकी डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है। चलें इधर मुझे क्लास के बाद बताइएगा, मैं आपको करवा देता हूँ। चलें जी, वेरी गुड, जजाकल्ला। अच्छा अपवर्क की प्रोफाइल कितने लोगों ने बनाई है, कल फ्राइडे है तो मैं कल जॉब अप्लाई करना सिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह वीकेंड पे फिर आप लोग करिएगा जॉब अप्लाई, इंशाल्लाह अगर उधर से जॉब मिलती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, अपवर्क बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी करो यार, वो मतलब मैं ही करवाऊंगा तो करोगे आप लोग, उनको करो साइन अप, सिंपल सेम ही है, कोई उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे की है ना अपवर्क पे, तो अपवर्क से तो बड़ा सिंपल होगा इंटरफेस बाकी का, guru.com, PeoplePro और freelancer.com, उन सबको भी करना है आपने। चलें जाहिद, वेरी गुड, साइड में सिंपल वर्ड्स में आमिर मैं बता रहा हूँ, आपने आपने वेबसाइट के मेन पेजेस को अलाउ करना है, बाकी जितने भी चीज़ें आपने डिसअलाउ कर देना है। मेन पेजेस अगर आपकी वेबसाइट है, लाइक पेजेस को अलाउ करना है आपने, प्रोडक्ट्स को अलाउ करना है आपने, कैटेगरीज को अलाउ करना है आपने, पोस्ट को अलाउ करना है, ठीक है। इसके अलावा जितनी चीज़ें आ जाएंगी, ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इनके अलावा जितनी चीज़ें उनको ऑफ कर देना है आपने, टैग्स और फॉर्मेट कुछ भी आए उसको ऑफ कर देना है, प्रोडक्ट पेजेस कैटेगरीज एंड पोस्ट, यही चीजें तो हम लोग चाह रहे हैं कि ऑप्टिमाइज हो, रैंक हो, बस इनके अलावा सबको ऑफ कर देना। मैं हिबा करवा देता हूँ क्लास के बाद ना। चले मरियम प्रोफाइल मुझे सबमिट करवाएं प्लीज, और फाइल के अंदर भी ऐड करें एंड टुडे। चलें जी गुड है, चलें जी माशाल्लाह, जिन लोगों ने बना लिया है वो करें। लैंडिंग पेज होता है आपका फ्रंट पेज, तो वो अगर आप लोग करवाना, वो किस कुछ केसेस में होगा, कुछ केसेस में नहीं होगा, ठीक है। ऐड जब आप लोग पेजेस ऐड कर लेंगे ना अमर, तो पेजेस के अंदर लैंडिंग पेज भी आएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है, अगर सेपरेट आ रहा है तो उसको ऑफ भी कर देंगे, तो पेजेस के अंदर तो वो आ ही रहा होगा। अच्छा जी,
किसी का कोई और क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई बात पूछनी हो, बतानी हो, अगर प्रोफाइल अभी तक नहीं बनाई ना आपने अपवर्क की तो वो बना लें, फाइवर की भी। कल मैंने अपवर्क का अप्लाई करना सिखाना है, तो प्रोफाइल नहीं होगी तो क्या करोगे आप लोग, कैसे करोगे, तो उसको कंप्लीट कर लें प्लीज लाजमी। ठीक है, मैं देख लूंगा इंशाल्लाह। उजाला आपने किया है, प्रोफाइल बनाया है, बना लें, जिन लोगों का रह गया बना लो। चले आमिर, गुड है। चलें जी, मेरी तरफ से क्लास ओवर है, कोई लीव करना चाहे तो कर सकता है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, बताना है, तो मैंने आपके साथ स्ट्रीमयार्ड का भी लिंक शेयर किया है, तो कोई लाइव आना चाहे तो आ सकता है जी, कोई लीव करना चाहे तो लीव कर सकता है जी। प्रैक्टिस इसकी लाजमी करें, सारा काम कंप्लीट करें, इसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे कुछ। हाँ जी, करें जी फिर वाइंड अप। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ फिर, और बाद में भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, और अगर थोड़ा सा लेट रिप्लाई आए तो उसके लिए माजरत है जी, मैं अक्सर ही बिजी होता हूँ, मैं मैसेंजर एक टाइम पे ही देखता होता हूँ, और उस टाइम पे मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो इस वजह से ना अगर थोड़ा सा लेट रिप्लाई आए तो उसके लिए माजरत है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबको रिस्पॉन्ड लाजमी करूँ। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वर्डप्रेस का बहुत इशू आता है नादिया महबूब, आप यूँ करें जूम इंस्टॉल कर लें, मैं आपको वर्डप्रेस करवा दूंगा इंशाल्लाह जूम के ऊपर, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।